गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ईवीएस में वाटर साइकिल के बारे में बताएंगे कि हमारी पृथ्वी पर जो जल चक्र है वो किस प्रकार से चलता है। आओ हम इससे चित्र के माध्यम से समझे। फर्स्ट प्रोसेस होती है इवोपरेशन, मतलब वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण में क्या होता है? दिस इज व्हेन वार्मथ ऑफ द सन causes water from ocean, pond, river and soil to rise into air and turn it into water vapor. इस प्रक्रिया में क्या होता है? वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? इवोपरेशन या वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। अच्छा, सेकेंड प्रोसेस होती है ये कंडेंसेशन या संघनन। दिस इज व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कूल डाउन एंड टर्न बैक इनटू लिक्विड वाटर। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है? जिसमें वायु में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। ठीक है, इसमें जो जल वाष्प होता है वो किसमें? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है ये प्रीसिपिटेशन। ठीक है, जिसे वर्षण या वर्षा होना कहते हैं। दिस इज व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड इन द स्काई। वर्षा वह प्रक्रिया जिसमें बादल से पानी बरसता है। ठीक है, अब जो इसमें इवोपरेशन और ये ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है, ये दोनों लगभग सेम ही है। ठीक है, इन दोनों की प्रोसेस सेम ही है। जो ये इवोपरेशन है ये जल में होता है, और ये जो ट्रांसपिरेशन है ये किसमें होता है? जमीन में होता है। जैसे ये जमीन की जगह है ना, इसमें ये प्रोसेस होती है। इन दोनों की प्रोसेस सेम होती है। इसमें जल से पानी बादल में बदलता है, और इसमें पेड़ पौधों से वाष्पीकरण के द्वारा बादल किसमें बदलता है? कंडेंसेशन में बदलता है। ठीक है, दोनों प्रोसेस लगभग सेम है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है? कलेक्शन। ठीक है, लास्ट प्रोसेस क्या है? कलेक्शन। इसमें क्या होता है? दिस इज व्हेन वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड एज रेन कलेक्ट एंड रिवर पॉन्ड एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द वाटर सोक्स इन द ग्राउंड एज अंडरग्राउंड वाटर। अच्छा, एकत्रीकरण। इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है? यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें वर्षा का पानी नदियों, तालाब आदि से होता हुआ कहाँ? जमीन के अंदर एकत्र हो जाता है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर जल का चक्र चलता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। अच्छा बच्चों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।